So guys, welcome back to our YouTube channel. Guys, it's another day, it's another vlog. I hope everyone is doing good. And first of all guys, मैं आप सभी को thank you बोलना चाहता हूँ from bottom of my heart, because आपने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है on my YouTube channel, it's been 1000 subscribers. We have successfully achieved our first mark. और इसके बाद सेकेंड अपना जो कम्युनिटी टैब है वो भी अनलॉक हो गया है फ्रॉम यूट्यूब साइड. सो अभी जो अपने को सिर्फ एक पॉइंट जो लैक कर रहा है फॉर टू मोनेटाइजेशन आर वॉच टाइम. तो वॉच टाइम के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे लद्दाख सीरीज़ को अभी तक एंजॉय नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज डू वॉच ऑल वीडियोज़. मैं यहाँ पे राइट साइड में उसका पूरा प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप जाके पूरा वीडियो देखना और सभी वीडियोज़ को एंड तक देखना, तो आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा और उससे ही अपना वॉच टाइम बढ़ने वाला है, और कोई अपने पास दूसरा ऑप्शन है नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लद्दाख सीरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. अभी सिर्फ इसमें एक वीडियो पेंडिंग है जो कि अपना ओवरऑल एक्सपेंसेस बजट एंड रूट वी हैव टेकन. सो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटा मोटी. हम लोग ने जो रूट लिया था, द रूट इज़ फ्रॉम मुंबई से हम लोग निकले थे फ्रॉम गुजरात. गुजरात से हम लोग गए थे राजस्थान. राजस्थान से वी हैव टेकन हरियाणा पंजाब. देन वी हैव टेकन अप टू पठानकोट. पठानकोट से हम लोग श्रीनगर के रूट से गए. श्रीनगर से कारगिल होते हम लोग लद्दाख पहुँचे. लद्दाख से फिर हम लोग खारदुंगला, एंड देन फिर वी केम बैक फ्रॉम मनाली रूट से हम लोग चंडीगढ़ से अम्बाला की तरफ से चंडीगढ़ से हम लोग नीचे की तरफ, फिर रिटर्न पंजाब और हरियाणा राजस्थान गुजरात और मुंबई. हम लोग वैसे टोटल हमारा ये जर्नी हुआ था, ये रूट प्लान था बेसिकली. जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो रूट ये जर्नी था दैट वाज अराउंड 5700 किलोमीटर. दिस इज़ फ्रॉम मुंबई टू लद्दाख, लद्दाख टू मुंबई. तो ये रिटर्न जर्नी था टोटल. तो एक तो फ्रॉम मनाली से जो जाता है, मनाली से श्रीनगर तक, एंड श्रीनगर से रिटर्न मनाली आते हैं लद्दाख करके. और सेकेंड रूट जो हम लोग ने किया दैट वॉज फ्रॉम पंजाब से हम लोग पठानकोट, पठानकोट से श्रीनगर, कारगिल, लद्दाख, खारदुंगला, एंड देन फिर रिटर्न टूवर्ड्स फ्रॉम मुंबई से हम लोग रिटर्न जर्नी कर सकते हो. तो ये बेसिकली दो प्लान होते हैं. ज़्यादा करके राइडर्स फर्स्ट प्लान को चूज़ करते हैं बिकॉज उन लोग को श्रीनगर और वो रूट नहीं करना रहता है. वो लोग डायरेक्टली मनाली से जाते हैं और सचू आया वो लोग रिटर्न आते हैं लद्दाख जाके, फिर वो लोग रिटर्न आते हैं. हम लोग को करना था बिकॉज हमने एक एडवेंचर ट्रिप प्लान किया था, हमको ये ट्रिप करना था सक्सेसफुली, इसके लिए हम लोग ने वो प्लान किया था. बट वी डिड इट एंड वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड इट, फिंगर क्रॉस्ड. इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना टोटल खर्चा हुआ है फॉर टू लद्दाख, जो टोटल जर्नी में जो एक्सपेंस हुआ है दैट वाज अराउंड ₹90,000, जिसमें 45,000 इज अप टू पेट्रोल. जो हमारा तीनों गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा लगा अप्रॉक्सीमेटली 15,000 ईच ऑन वन बाइक. और जो स्टे और फूड का जो खर्चा था दैट वाज अराउंड ₹40,000. और इसके अलावा कुछ परमिट और मेडिसिन किट विट में वो सब छोटा मोटा सामान खर्चा हो गया था. परमिट का एक्चुअली हमको बाद में पता चला कि परमिट का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट स्टिल उसके पहले हम लोगों ने परमिट निकाल लिया था वहाँ से, तो कुछ ₹1500 परमिट का खर्चा हो गया था हमारा. सो ऐसे कुछ हमारा टोटल 90,000 कुछ खर्चा हो गया है. द जर्नी वॉज सो स्मूथ, हमको कहाँ पे प्लस फूड गाड़ी ने कहाँ पे भी हमको कुछ खर्चा दिया नहीं, तो इसके लिए वो हमारा जो सडन जो वन टाइम एक्सपेंसेस है वो बच गए. जो हम लोगों ने जो प्लान किया था प्लान के हिसाब से हमारे सब खर्चे हुए. तो एक प्लानिंग वॉज प्रॉपर एंड देन एग्जीक्यूशन वॉज ऑसम. तो अलावा जो हम लोगों ने इंजन ऑयल और गाड़ी सर्विसिंग की, तो गाड़ी सर्विसिंग हम लोगों ने लद्दाख में नहीं की थी, नॉर्मल जो फॉर्मेलिटी था गाड़ी का. ब्रेकिंग एंड ऑयलिंग के लिए जो हम लोगों ने खर्चा किया था वो नॉर्मल कुछ मिनिमल अमाउंट खर्चा हुआ था तीनों बाइक में. और इंजन ऑयल हम लोगों ने कैरी किया था पर्सनली हमारे साथ, निखिल और आनंद के बाइक के लिए हम लोगों ने वहाँ से परचेज किया था, मेरे पास था ऑलरेडी. तो हार्डली कुछ ₹1500 कुछ उसका खर्चा आया था सर्विसिंग का, 1500 या कुछ करीबन ₹1800 करीबन कुछ खर्चा आया था इन बिटवीन दैट. सो गाइस दिस वाज थोड़ा शॉर्ट ब्रीफिंग किया था मैंने अबाउट आवर एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए उसके बारे में. नॉर्मल एक बेसिक वीडियो बनाया था आपके लिए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स ट्रैवल विद चिकू. और आप इंस्टाग्राम पे मुझे सब फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो. और अभी तक अगर आपने लद्दाख सीरीज़ को नहीं देखा है सो गाइज डू वॉच, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है स्पेशली लद्दाख ले लद्दाख 2021, तो आप जाके वो एंजॉय करो. अगर नहीं आपने देखा है अभी तक तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वो देख लेना ये वीडियो के ख़त्म होने के बाद. बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने लद्दाख सीरीज़ को, तो ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहना. इसके बाद भी अपने सीरीज़ आते रहेंगे और एक सरप्राइज़ सीरीज़ मैंने प्लान किया है आपके लिए जो यही महीने में शेड्यूल करूँगा. अभी तक डेट फिक्स नहीं है
बट आई गिव मी सम टाइम, मैं उसको थोड़ा फिक्स कर ही रहा हूँ और जैसे न्यूज़ आ जाएगा मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो गाइस अभी वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। उसको प्यार दिया है। हाँ भाई ओके, तुझे अपन आवाज़ देते हैं।